बुधवार को मुख्य चुनाव अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में निर्वाचन नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण से पूर्व गतिविधियों के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। समीक्षा के दौरान एनआईसी हाल गोरखपुर में जिले के कई तहसीलों के एसडीएम मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पूर्व निर्वाचन नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कर लिया जाए और मतदाता सूची को व्यवस्थित किया जाए जिससे कोई भी दिक्कत ना उत्पन्न होने पाए। ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद स्कीम्स एंड ऑब्जेक्शन का 1.5 महीने का समय होता है और उसके बाद हम इसका फाइनल पब्लिकेशन करते हैं। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिस है, एज पर लॉ है, इसलिए ये किया जाना आवश्यक। कमीशन ने इस बार इसमें कुछ चीजें और जोड़ी हैं। हमारा 15 सितंबर से शुरू हो रहा है, 15 अक्टूबर अमरीजन का 15 अक्टूबर से लेकर के और 30 नवम्बर तक का 1.5 महीने का है। इसका मतलब ये हुआ कि 15 अक्टूबर को हमारी ड्राफ्ट रूल का पब्लिकेशन होगा और 1.5 महीने यानी 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक हम लोग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन को देंगे, उनको डिसाइड करेंगे। उसके बाद लगभग 20 दिन कंप्यूटर की टीम जो हमारे इसका पब्लिकेशन करेगी। इसके अगर दो पार्ट करें कि जो आपका समरी रिवीजन होगा उसमें जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा उसके बाद की क्या एक्टिविटीज है और उसके पहले की क्या एक्टिविटीज है। बात की एक्टिविटीज आपको पता है तो क्या बहुत सालों से करते आ रहे हैं। कमीशन ने ये कहा है कि इस बात का जो प्री एक्टिविटी है वो 1 अगस्त यानी कल से शुरू और 1 महीने तक जो है उसकी सिर्फ तैयारी की जाएगी। तैयारी का मतलब उसमें कोई फिजिकल काम नहीं किया जाना है। तैयारी को मैं 2-3 शब्दों में 2-3 सेंटेंसों में ब्रीफ करूंगा। पहली चीज ये कि बीएलओ की नियुक्ति कर दी जाए, अगर एक हल्की छोटी ट्रेनिंग करा दी जाए तो कि एसडीएम साहब अपने लेवल पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उनको ब्रीफ कर दी जाए तो उनको क्या करना है। नंबर 1। नंबर 2, एक आपने सीओ ऑफिस में करीब 10 ऑपरेटर हैं जो सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक अवेलेबल रहेंगे और अगर कोई भी व्यक्ति चेक करना चाहिए कोई और समस्या है अगस्त से 3 अगस्त तक इस काम को सिर्फ फोन के माध्यम से किया जाना है, कोई फिजिकल वर्क नहीं। नंबर 2, एक कमीशन ने और पॉलिसी डिसीजन लिया है उस पर्पज से यूज करने में नीचे 3 सर्विसेज दी जाएंगी। नंबर 1, उसकी एक फीस निर्धारित की जाएगी, इसका टीम डिटेल अभी कमीशन निपटाए करेगा, हम आपको अगले हफ्ते के अंदर निर्देश कर देंगे। पहली चीज ये कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी नॉर्मल सर्विस सेंटर पर जाता है तो वहां पर जाकर के चेक कर सकता है कि उसका नाम है, इलेक्ट्रोनल रोल में अफवाह नहीं है।